नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद थाना एका के राजपुर निवासी विपिन कुमार ने थाना पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जिनका कहना है कि 3 दिन पहले अपने मामा के पुत्र नीरज की बाइक लेकर एटा गया था। वहीं वापस आकर भागवत कथा के पंडाल में बाइक खड़ी कर दी थी और यहां से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। शिकायत करने पर पुलिस ने उसे पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले लिया। पीड़ित का आरोप है कि वहां बुरी तरह से मारपीट की गई। युवक ने एसएसपी सौरभ दीक्षित से शिकायत की है, जिसके बाद युवक का मेडिकल कराया गया है। एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर पीड़ित मेडिकल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस दोषी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। कैसे कर आईडी? हाँ, ऊपर उठा रहा थोड़ा। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट सत्यन सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। कल मुझे कॉल आया था मेरे क्लाइंट से लगभग दोपहर के टाइम, और उन्होंने ये बताया कि मेरे कज़िन को, भाई को पुलिस ने डिटेन कर रखा है 24 घंटे से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, और वो ये नहीं बता रहे हैं कि डिटेन क्यों किया है। जब इसका संज्ञान मैंने SPRA जी को दिया तो उन्होंने तुरंत मुझे ये पता करके बताया कि एक ट्रैक्टर चोरी और एक बाइक चोरी का मामला है, उस वजह से डिटेन करके रखा हुआ है। और चूँकि ये हीनियस ऑफेंस नहीं है, पुलिस को 41A का नोटिस देकर छोड़ देना चाहिए था, पुलिस ने नहीं छोड़ा। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था, नहीं किया था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि छोड़ दिया जाएगा। 151 का जो एक प्रोसीजर है कि आप अगर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो आपको वो कराते, तो वो उसके लिए लेके गए। इनको प्राइवेट में दो जगह या प्राथमिक चिकित्सालय एका में भी दिखाया था, वहाँ भी बताया कि इनका फ्रैक्चर है। और इनके जो शरीर पर निशान थे, जब मैंने देखे थाने में जाके, तो बेल्ट के निशान थे, फ्लैट बेल्ट के निशान थे, जो शायद पटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है, बट उसके निशान थे। और इतना ज़्यादा मारा है कि उसकी खाल भी निकल के आई है, ब्रूजेस हैं उसके बहुत ज़्यादा। SOAK ने ही ऐसा किया है, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया है। और एक क्रॉस FIR उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इनकी तरफ से एक क्रॉस FIR कर दी कि विपक्ष के लोगों, जिसकी ट्रैक्टर और बाइक चोरी हुई है, उन्होंने ये हमारे साथ मारपीट की है, जबकि ये सब कुछ नहीं था। SOAK ने ही इनके साथ मारपीट की थी, थाने में ही की है। CCTV फुटेज हैं वहाँ थाने में ही, ये अच्छा वाला इसको लेके आए थे। और कल से, मतलब कल जब इसको सुबह से और शाम तक दो कांस्टेबल उठा उठा के लेके चल रहे थे, क्योंकि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ही कुडंट इवन वॉक। और क्लियर ब्लेटेंट वायलेशन है ये जो CRPC सत्येंद्र कुमार नितिन वर्सेस CBI, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस, अर्नेस्ट कुमार, सबका ये क्लियर कट वायलेंस है। अभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप इतने छोटे ऑफेंस के लिए पुलिस आपको इस तरह से मारेगी। वैसे तो मार ही नहीं सकती, इतने बड़े बड़े गाइडलाइंस DD बासु के थाने में लगे हुए हैं, इनफैक्ट एका थाने में ही लगे हुए हैं, हर थाने में लगे हुए हैं, और ब्लेटेंट वायलेशन हो रहा है। ना तो आप उसको एडवोकेट से बात करने देंगे, ना ही आप उसके परिवारजनों से बात करने देंगे, और ना ही उसको FIR बताएंगे क्या ऑफेंस है, क्यों लेके आए हैं। और जब पता लग रहा है कि वो ट्रैक्टर जो है वो इसके भाई का ही है, जो बाइक है वो इसके सगे मामा की बाइक है, अगर मामा ने एलिगेशन लगाया भी है बाइक चोरी का, तो ये हीनियस ऑफेंस नहीं है। आप 41A का नोटिस, 7 साल से अगर नीचे सजा है, 41A का नोटिस अगर आप तामील कराते हैं, फिर आपको तुरंत छोड़ना पड़ेगा स्टेटमेंट लेने के बाद एक्यूज्ड के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब हमने फ़ोन किया तब भी हमें FIR नहीं बताई गई। हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों को हमने ये अवगत करा दिया है एप्लीकेशन के माध्यम से, मुझे भी इन्होंने अवगत कराया कि इनके साथ क्या क्या हुआ। डिटेल्ड इंसिडेंट उस एप्लीकेशन में है, समय के साथ है कि कैसे क्या क्या हुआ, एक एक चीज़ है, वो हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। इनके फोटोग्राफ्स हैं, हमने जो ईमेल है वो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट की ईमेल एड्रेस पर हमने भेजा है, CM, DGP, SSP फिरोजाबाद को भेजा है। एंड ट्रस्ट मी, एज आई स्पीक, जब मैं बात कर रहा हूँ, एक और ऐसे ही दूसरे क्लाइंट जो अभी साथ में मेरे ही खड़ा था, पुलिस ने सिर्फ छोटी सी कंप्लेंट के लिए फिर डिटेन कर लिया है। तो ये जो डिटेंशन का, आप बिल्कुल, मतलब आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, लेकिन मारना पीटना क्यों है? तो मारना पीटना क्यों है? आपके क्लाइंट को थर्ड डिग्री दी गई है पुलिस द्वारा? थर्ड नहीं, आई गेस ये 4th डिग्री है मैं समझता हूँ, है ना। और इसके बाद तो कुछ बचता नहीं, अगर
एसपी आरए सर का इंटरवेंशन नहीं होता, या वहाँ एक एसआई है बहुत ही जस्ट ज्वाइन हिज सर्विस आई फॉरगॉट हिज नेम, उनकी अगर हेल्प नहीं होती तो शायद ये बचता भी नहीं, है ना। इतना ज़्यादा ये हुआ है, मतलब बचता ही नहीं है। वो तो बहुत यंग ऑफिसर है वहाँ थाने में, उन्होंने इनको पानी वगैरह या कुछ दिया था, उस वजह से तो ये बचा नहीं, तो कल तो ये रात नहीं निकलती। कल हम 8:30 बजे थाने पहुँचे थे, तब हमने इसको वहाँ से निकलवाया है, और लगभग 11:30 बजे एसओ ने खुद ही अपनी गाड़ी से इनको घर छोड़वाया है। उसके बाद भी अभी भी वो बोल रहे हैं हम पूरा इलाज कराएंगे, लेकिन आप कहीं भी उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट ना करें। इनफैक्ट मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आप इसमें कार्रवाई ना करवाएं। ठीक, कई लोगों ने अप्रोच किया है, बट ही इज़ सेइंग मुझे कल मार ही दिया था, मैं अपने आप को मृत मान रहा हूँ, और जो ये करना है वो करें, बट जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ठीक, थैंक यू सो मच। विपिन, पिता का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? राजपुर। थाना कौन सा पड़ता है? क्या घटना हुई? ये सब निशान चोट वगैरह कैसे है? सर, थाने में। कौन से थाने में? किसने? इतना नाम नहीं पता है। मतलब पुलिस ने? किस बात को लेकर? बाइक के पीछे। बाइक क्या? मोटरसाइकिल। सर, मेरे मामा की लड़की मोटरसाइकिल। हाँ, वो पांडा में गाड़ी करती थी, रात में कीर्तन हो रहा, पता नहीं कौन ले गया, उसने मेरे सामने रिपोर्ट कर दी। इसी चक्कर में रिपोर्ट पकड़ लिया। किससे मारा आपको? पटा से। कब की बात है ये? 22 तारीख को पकड़ के लाए, 23 को रिमांड पे लिया। 22 को पकड़ के लाए, 23 को रिमांड पे लिया। आज आप मतलब किसके साथ हैं आप लोग? कोई वकील साहब के साथ। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।